student of 6th class. Now we are discuss about the 2.2 basis on the chapter and discussing about the properties of whole number. Okay, let's start. Page number 32 of your textbook, do this. देखो इधर जो है 7 is a whole number और 8 also whole number. First हम देखेंगे closure property in whole number. Okay, whole number में जो closure property hold करता है कि नहीं करता है, ये हमने देखना है पहले. Whole numbers are closed under addition and also under multiplication. देखो इसका मतलब है addition में hold करता है whole number कैसे. अगर कोई भी whole number को दो whole number को हम add करेंगे तो एक whole number आएगा. तो ये whole, this is whole number. देखो 7 whole number और 8 भी whole number, इस दोनों को जोड़ के जो 15 आया, 15 भी whole number है. तो हम बोल सकते हैं जो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. ओके, ऐसे ही कोई भी होल नंबर के साथ कोई भी होल नंबर जोड़ दो तो जो नंबर आएगा वो अगर होल नंबर ही निकलेगा तो हम बोल सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन. ओके, सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन के टाइम में भी हम कैसे बोल सकते हैं कि होल नंबर इज closed under the multiplication. देखो 7 is whole number, also 8 whole number. So 7 8 जब 56 is a whole number. So that's why we can say that whole numbers are closed under the multiplication. देखो कोई भी number के साथ multiplication करो कोई भी whole number की तो always whole number आता है. तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, whole number closed under multiplication also. Okay, but in the another example we can say that for the subtraction, we going to the subtraction discussing about the whole number. देखो अगर whole number अगर आप minus की time मतलब subtraction जब करोगे दो whole number की, example में दिया हुआ है जैसे 6 minus 2 is equal to 4. This is a whole number. But 7 minus 8 is equal to क्या होता है, minus 1 होता है. 7 minus 8 is equal to minus 1 होता है. जो minus 1 is not a whole number. So that's why the whole numbers are not closed under subtraction. हम बड़ा से छोटा को minus करके whole number मिल सकते हैं, लेकिन छोटा नंबर को जब बड़ा नंबर से माइनस करेंगे तो क्या माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर मिलता है. तो इसीलिए दिस इज़ नॉट ए होल नंबर. सो हम क्या बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. अंडरस्टैंड, अभी हम देखेंगे कि होल नंबर डिवीजन की टाइम में क्लोज होता है कि नहीं होता है. देखो जब डिवीजन करते हैं बड़ा नंबर से छोटा नंबर डिवीजन चला जाता है, जैसे 8 divide 4 इज इक्वल टू 2, 2 इज़ ए होल नंबर. जब छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शन नंबर आ जाता है, तभी क्या हो जाता है, ये होल नंबर नहीं होता है. तो हम बोल सकते हैं कि डिवीजन की टाइम में भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं. ठीक है, होल नंबर्स क्लोज अंडर डिवीजन, नो, होल नंबर डिवीजन में भी क्लोज नहीं होता है. अंडरस्टैंड्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिवीजन बाय ज़ीरो. डिवीजन बाय ज़ीरो इट मीन्स डिवीजन बाय ए नंबर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटेडली. जैसे देखो 8 divide 2 फाइंड करना है, ये 8 divide 2 डायरेक्ट डिवीजन नहीं करके हम आंसर निकल सकते हैं कैसे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब अगेन एंड अगेन सब्ट्रैक्शन करके.
जब तक ज़ीरो ना आ जाए, लास्ट रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो है, तभी हम डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्शन स्टॉप कर दिया। देखो पहले क्या किया, टू, ये जो टू है, एट को टू से माइनस किया तो सिक्स है, सिक्स को वापस से मतलब सेम नंबर से माइनस करते जाओ जब तक ज़ीरो ना आ जाए। देखो कितने स्टेप, कितने बार हमने माइनस किया, देखो पहले बार माइनस किया, सेकेंड बार सिक्स माइनस टू फोर माइनस टू माइनस टू ज़ीरो आ गया। कितने बार स्टेप, कितना स्टेप किया माइनस, वन टू थ्री बार माइनस किया, फोर बार माइनस किया, तो आंसर आ गया क्या, फोर। ओके, टू एट डिवाइड टू इज इक्वल टू फोर होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अभी देखो हम ज़ीरो से कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे। देखो टू को ज़ीरो से डिवाइड करो तो ज़ीरो ही आता है, टू माइनस ज़ीरो, कोई भी नंबर को हम ज़ीरो से माइनस करेंगे तो वो हर बार उसी नंबर ही आता है। तो इसके लिए इसका क्या होगा आंसर, वी कैन से दैट आंसर होगा, वी से टू डिवाइड ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड इट, मतलब हम इसका सल्यूशन कभी नहीं निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टाइम में कॉमोडिटी प्रॉपर्टी होता है कि नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के टाइम में हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देकर। जैसे सपोज टू के साथ थ्री एडिशन किया, क्या आंसर आया, फाइव। तो अगर थ्री के साथ टू एडिशन करूँगा तो भी फाइव आया। सो वी कैन से दैट टू प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन की टाइम में भी देख लो, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स और थ्री इंटू टू इज इक्वल टू भी सिक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इन मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन के टाइम में हम क्या बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बैठते हैं। अगर आप नंबर लाइन के द्वारा आप समझ सकते हो, जैसे देखो थ्री फाइव के साथ मल्टीप्लाई किया, सॉरी थ्री फाइव के साथ एडिशन किया, जैसे थ्री प्लस टू, सॉरी थ्री प्लस टू इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव। थ्री के बाद में टू स्टेप आया, वन टू, तो आंसर क्या आया, फाइव आया। ओके, और अगर हमने टू के साथ थ्री ऐड करेंगे तो भी सेम टू सेम आंसर आएगा। सो वी कैन से दैट द सम इज डिफरेंट व्हेन ऑर्डर ऑफ एडिशन इज चेंज। ऑर्डर चेंज होगा तो सम इज डिफरेंट होगा, ऑर्डर नहीं चेंज होगा तो सम इज सेम। अंडरस्टैंड, सो वी कैन से दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, ऑल्सो एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो कॉम्यूटेटिव फॉर द होल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। बट स्टूडेंट्स, हम जब देखेंगे सब्ट्रैक्शन और डिविजन के टाइम में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि नहीं होता है, तब हम देख पाएंगे कि अगर हम 4 को डिवाइड 2 से कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा 2, लेकिन 2 डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब है 4 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड 4। दिस इज द कॉम्यूटेटिव लॉ इधर अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, अगर हम माइनस की टाइम में देखेंगे, जैसे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4, ये भी सेम नहीं है, तो नॉट इक्वल्स, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं बैठते हैं।
So students, we can say that simply subtraction and division are commutative, are not commutative for whole numbers. Subtraction and division are not commutative for whole numbers. Now we are discussing about the associativity of addition and multiplication. Okay, associative law प्रॉपर्टी इधर होल नंबर के ऊपर बैठते हैं कि नहीं, ये देखना है हमें. कैसे, जैसे कोई भी नंबर बना लो, 2 + 3 + 4. इस फर्स्ट टू नंबर को लेके हम एक ग्रुप बनाया, सेकंड में क्या किया, 2 + 3 + 4, ये लास्ट टू नंबर को लेके एक ग्रुप बनाया. लेकिन इसका एडिशन के रिजल्ट क्या आता है, ऑलवेज 2 + 3 = 5 + 4 = 9. देखो, दो जैसे हम सॉल्यूशन दोनों को ही करेंगे तो 9 ही आएगा ऑलवेज. तो हम ये बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव. ओके, आफ्टर दैट वी आर शोइंग अबाउट associativity of minus subtraction and division. Subtraction and division के time में हम देखेंगे कि associative rule खटते हैं कि नहीं. इससे पहले हमको ये देखना है कि multiplication की time में associative property होता है कि नहीं. जैसे 2 × 3 × 4, दोनों को first में group में लिख दो, उसके बाद में 2 × 3 × 4, लास्ट दोनों को ग्रुप में डाल दो, टोटल कितना होता है, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24. इधर 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24. देखो सेम रिजल्ट आया. तो हम बोल सकते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव ऑफ होल नंबर. ओके, इन पेज नंबर 36 there have some things. Notice how we grouped the number for convenience of adding. Okay, convenience of adding grouped को कैसे group बनाया जाता है number से, और कैसे हम addition करते हैं. एक example देता हूँ. जैसे example 1, add the numbers this and this. देखो ये जो सल्यूशन है, हम ऐड मीन्स तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ दिया, एडिशन सिंबल लगा दिया. उसके बाद में हमको थोड़ा अरेंज कर लेना है और ग्रुप बनाना है. कैसे, देखो हमको मन में देखना है कि किसके साथ क्या ऐड करूँगा, तो ऐसी टाइप नंबर आता है तो हमारे एडिशन करना बहुत ईजी रह जाएगा. देखो ये लास्ट दोनों को हमने ग्रुप बना दिया तो 300 आया, तो हम इजीली बता सकते हैं 300 + 200 = 34, 300 + 200 = 534, तो आ गया 534. ऐसे ही एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम एडिशन इजीली कर सकते हैं. एग्जांपल 2 में हम देखेंगे कि फाइंड 14 + 17 + 6 in 2 ways. ओके, फाइंड करना है 2 ways में. जैसे देखो 14 + 17, ये जो एडिशन है, ये 14 + 17 से एक ग्रुप बना के इसके साथ एडिशन किया. देखो फर्स्ट इसको ग्रुप बनाया तो 31 आया, प्लस 6 तो 37 आया. सेकंड प्रॉपर्टी में कैसे ग्रुप बनाया, 14 मतलब ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को लेके ग्रुप बना दिया, उसके बाद 17 के साथ जोड़ दिया, तो 20 + 17 = 37. तो हम बोल सकते हैं we have used a combination of associative and commutative properties. Okay, after that student there are find, ये आपके लिए ये करना, और जितना example मैंने अभी बता रहा हूँ ये सारे आपको करना है practice में घर पे. ये example भी करना है, ये example भी करना है. अब हम बताएंगे कि associative property division में काम आता है कि नहीं. देखो जब हम डिवीज़न में ग्रुप बनाते हैं, जैसे इसके साथ ये ग्रुप बनाया, इसके साथ ये ग्रुप बनाया,
तभी डिवीजन में देखो दोनों साइड में रिजल्ट अलग आएगा। जैसे 16 के साथ 4 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। वापस 4 के साथ 2 डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 2 आता है। तो इधर का आ गया 2 और इधर का कितना आएगा, पहले ब्रैकेट दिया हुआ है ग्रुप में, पहले इसको डिवाइड करना है तो 2 आएगा, और 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8 आ गया। इधर 2 इधर 8 तो इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वर्क ऑन होल नंबर फॉर द डिवीजन। अंडरस्टैंड।